फ्रेंड्स सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं काशी दुमारे ऋषि एचवीएसी टेक्नीशियन में आपका स्वागत करता हूं। बहुत सारे लोग का एक क्वेश्चन था इंटरव्यू से रिलेटेड कि सर बीटीयू क्या होता है, व्हाट इज बीटीयू, बीटीयू क्या होता है। तो मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आए, आपको समझ में आए कि हाँ बीटीयू क्या कहा जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज बीटीयू, बीटीयू क्या होता है। तो सबसे पहला चीज कि बीटीयू का फुल फॉर्म क्या होता है उसको हम देखते हैं। तो बीटीयू का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ठीक है। यह एक मान है, कूलिंग का मान है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्हाट इज टर्न पावर, टर्न पावर किसे कहते हैं। तो टर्न पावर का डेफिनेशन है कि हाउ मेनी एरिया कूल इन वन आवर, दैट्स कॉल्ड टर्न पावर। मतलब कि एक घंटे में कितने क्षेत्र को ठंडा करने का काम हमारा एसी करता है उसे ही टर्न पावर कहा जाता है। पावर का मतलब होता है कैपेसिटी, मतलब हमारी एक टन की एसी है, डेढ़ टन की एसी है, इवन दो टन की एसी है, मतलब टीआर से उससे रिलेशन, बट मतलब कि वह कितना एरिया को ठंडा करता है इन वन आवर में, मतलब एक घंटे में वो कितने क्षेत्र को ठंडा करता है उसे टर्न पावर कहा जाता है, ठीक है। तो अब बीटीयू से क्या लेना था, बीटीयू एक हमारी कूलिंग की मान है। जैसे कि अब एग्जांपल के तौर पे कि एक टन बर्फ, ठीक है, एक टन बर्फ एक बंद कमरे में रखेंगे, एक टन बर्फ एक बंद कमरे में रखेंगे, जितना वह एक घंटे में ठंडा करेगा उतना ही हमारी एक टन की एसी ठंडा करेगी। सिंपल वर्ड में, सिंपल फॉर्मूले से आप इसको सामने वाले को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, कि एक टन बराबर हमारा वन आवर में जितना एक टन की एसी ठंडा करेगी, घंटे में जितना हमारी एक टन की एसी ठंडा करेगी उतना ही सेम डिटो एक टन बर्फ एक बंद कमरे में रख दीजिए, जितना वह मेल्ट होगा उतना ही सेम वह हमारी एक टन की एसी ठंडा करेगी, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि अभी के एक टन की एसी जितना एक घंटे में ठंडा करती है ना, उसी को ही हम लोग टर्न पावर कहते हैं। उसी को मतलब टर्न पावर के हाउ मेनी एरिया कूल इन वन आवर, दैट कॉल्स टर्न पावर। एक घंटे में जितने क्षेत्र को ठंडा करता है उसे हम लोग टर्न पावर कहते हैं। वीडियो का मतलब भी यही होता है, वह एक कूलिंग का मान है, है ना। सिंपल ही से कि हमारा एक बंद कमरे में एक टन बर्फ रखेंगे, जितना वह ठंडा करेगा उसी को हम लोग ये क्या नाम है कि टर्न पावर कहते हैं। जैसे कि जनरली हम लोग ज्यादातर देखते हैं कि अगर हम लोग जैसे कि किसी का ऐसा देहांत हो जाता है तो हम लोग उसको ज्यादातर बर्फ के सिल्ली या बर्फ का जो बॉक्स होता है जिसमें डेड बॉडी को रखते हैं लोग, क्योंकि उसके अंदर से कहीं से स्मेल ना आए, वो खराब ना हो, क्यों उसको कि कमरे का वो हमारे बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर में रखे। तो इवन ज्यादातर ये होता है कि हम लोग क्या नाम है कि बर्फ की सिल्ली वगैरह का यूज करते हैं कि दोनों साइड से रख देते हैं, तो हम लोग इस चीज को फील करते हैं कि जितने बार उस कमरे में आएंगे जाएंगे वो कमरे का टेम्परेचर बाहर के रूम के टेम्परेचर या बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग नॉर्मल होता है, क्योंकि वो मेल्ट हो रहा है बर्फ। तो भाई जाहिर सी बात है कि वाष्प छोड़ेगा, तो जितना वह एरिया को ठंडा करेगा सेम उतना ही हमारी एक टन की एसी उतना ठंडा करेगी। तो अब एक टन बराबर होता है हमारा 12,000 बीटीयू, डेढ़ टन बराबर होता है 18,000 बीटीयू और दो टन बराबर होता है हमारा 24,000 बीटीयू। ये हमारी टर्न पावर की कुछ मान है, ठीक है, कि वन टन बराबर 12,000 बीटीयू, डेढ़ टन बराबर 18,000 बीटीयू और दो टन बराबर 24,000 बीटीयू। तो एक बार मैं फिर से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहला चीज की व्हाट इज बीटीयू, बीटीयू क्या है। तो बीटीयू एक मान है कि वह एक घंटे में कितने क्षेत्र को ठंडा करता है उसी को ही हम लोग बीटीयू बोले या टर्न पावर, यह दोनों सेम चीज है। अब पावर, अब पावर जाहिर सी बात है कि हमारे एसी के अंदर का अगर कंप्रेशन नहीं रहेगा तो उसकी कैपेसिटी नहीं रहेगी, उसी कैपेसिटी को ही हम लोग पावर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वही एक बीटीयू कूलिंग का मान है, यूनिट है, जिसके सहारे हम लोग ठंडा करने का काम करते हैं। तो वन टन बराबर 12,000 बीटीयू, डेढ़ टन बराबर 18,000 बीटीयू, दो टन बराबर 24,000 बीटीयू, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। अगर जो भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग का प्यार ऐसे ही हमको मिलता रहे। उम्मीद करता हूँ, ओके, गुड नाइट।